Assalamualaikum, it's me Rabia and welcome back to my channel guys. आज की वीडियो इज अबाउट एक्ने की किस तरह से आप जिद्दी से जिद्दी और स्वेयर एक्ने को भी ट्रीट कर सकते हो और आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग या निशान भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, बात सारी होती है यकीन की। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप कोई भी ट्रीटमेंट, रेमेडी, टोटका, नुस्खा कुछ भी कर लो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपको उस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं है। बाज़ लोगों का माइंड सेट होता है कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर को भारी फीस पे नहीं करेंगे, वहाँ से कोई फेस वॉश, सोप, लोशन या क्रीम नहीं लेंगे, तब तक हमें हमारी एक्नी या हमारे पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते, उन्हें होम रेमेडीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता। अच्छा जी, होम रेमेडीज़ में ज़्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में अल्लाह पाक ने इतनी पावर रखी है, इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हमारी स्किन के बेशुमार लातादाद प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। एक्ने बहुत ही आम और पुराना प्रॉब्लम है हमारी स्किन का। 60% लड़के लड़कियां 12 से 24 साल की उम्र के दौरान इसका शिकार हो जाते हैं, ठीक है। यही वो एज होती है जब लड़के लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही होती है, तो जब स्किन के ऊपर एक्ने आ जाती है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एक्ने की जो मेन रीज़न है ना वो है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स की वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आते हैं या एक्ने हो जाती है। एक्ने 6 से ज़्यादा इकसाम है इसकी, लेकिन इसकी जो जितनी भी इकसाम है इनके पीछे रीज़न है आपके खाने पीने के गलत औकात और आपके खाने पीने के गलत तरीक़ेकार। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हो, आप मुर्गन गिजाएँ लेते हो, आप चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी स्किन के ऊपर एक्ने आ जाती है। बाज़ औक़ात ये बद हज़मी की वजह से, मैदे की कमज़ोरी की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो जाती है। जी, तो अब ज़िद्दी से ज़िद्दी एक्ने को ट्रीट करने के लिए हम तैयार करेंगे एक टोनर, और उस टोनर की मदद से हम एक फ़ेस मास्क बनाएंगे जिसको आप अपनी एक्ने के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपकी एक्ने हो जाएगी ख़त्म। तो टोनर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे क्यूकेम्बर, यानी कि एक खीरा। आपने खीरे का रस लेना है, आपने खीरे को कद्दूकश करके इसका रस निकाल लेना है। उसके बाद आपने हरा धनिया लेना है और साथ में लेना है आपने गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के आप दो बड़े जवे ले लो, उनको आप दो पीसेस में कट कर लो, और उसके बाद आपने धनिए को और लहसुन को जो है वो एक कूंडी डंडे में डाल के अच्छी तरह से आप इसको क्रश कर लो यानी कि कूट लो, या आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हो। इसके साथ ही आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कूंडी डंडे में आप थोड़ा सा क्यूकेम्बर का जूस ऐड करो और फिर आप इसको अच्छी तरह से कूट लो, और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा तो आप स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन करोगे तो इसका धनिए का और लहसुन का जो जूस निकलेगा इसको आपने क्यूकेम्बर वाले जूस में ऐड कर देना है। और इसके बाद आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के ऐड करोगे। अगर आपकी स्किन को लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और फिर आपका जो टोनर है वो रेडी हो जाएगा। तो फेस मास्क रेडी करने के लिए आपने लेना है ऑरेंज पील पाउडर, और उसके अंदर आपने पिंच टर्मरिक का ऐड कर देना है, और आपने ये जो टोनर बनाया है इसकी मदद से आप इसको कर लोगे मिक्स, तो आपका फेस मास्क हो जाएगा रेडी। अब इस फेस मास्क को आपने अपनी स्किन के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है, आपको जहाँ जहाँ पे एक्ने है आपकी स्किन के ऊपर, जहाँ जहाँ आपको पिंपल है, आप कॉटन बड की मदद से वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी पूरी स्किन के ऊपर एक्ने है, मतलब आपके चीक्स के ऊपर है, आपकी चिन के ऊपर, आपकी फोरहेड के ऊपर, आपके नेक के ऊपर, तो आप इसको पूरे को ब्रश की मदद से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लो। 30 मिनट्स तक आप इसको लगा रहने दो, उसके बाद आप इसको रिमूव कर दो। फेस पैक को रिमूव करने के बाद आप इस टोनर को इस्तेमाल करोगे, मतलब आप टोनर का स्प्रे करोगे अपने फेस के ऊपर। आपने इसे 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है, सुबह और स्पेशली रात को सोने से पहले। इसके अंदर जो मैंने लहसुन का जूस ऐड किया ना, तो लहसुन आपकी स्किन के ऊपर जो एक्ने होती है उसके निशानात को भी ख़त्म कर देता है। आपकी जो ज़िद्दी से ज़िद्दी एक्ने होती है ना, ये उसको भी बिल्कुल रिमूव कर देता है। इसके अंदर जो मैंने खीरे का रस ऐड किया है वो हमारे चेहरे के लिए एक बेहतरीन किस्म का टोनर है, हमारी जिल्द को शगुफ्तगी देता है, ताज़गी बख्शता है, और साथ ही हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना श्रिंक करता है, जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना यानी कि जो एक्ने और पिंपल्स की जड़ है ना ये उसको होने से रोक देता है, तो इसलिए इसके अंदर मैंने क्यूकेम्बर का जूस ऐड किया है। ये फेस मास्क और टोनर जो है ये हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है, तो इंटरनली हमने अपने आप को किस तरह से ट्रीट करना है, मतलब कौन सी एहतियात और परहेज करनी है, तो आपने सारा दिन जूसी फ्रूट्स खाने हैं और साथ में कच्ची सब्जियां खानी, मतलब आपकी डाइट ही ये होगी पूरे दिन में, ठीक है। जिस कदर हो सकता है ना आप फल और सब्जियां खाओ, उसके बाद आपने सादा पानी पीना है, सादा पानी के अलावा आपने और कुछ नहीं पीना, मतलब आपने किसी किस्म का कोई मशरूम नहीं लेना, आप कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, आप कोई भी डब्बों वाले जूस नहीं पी सकते, आप लीमू पानी पी सकते हो वो भी चीनी के बगैर, मतलब सिर्फ सादा पानी और लीमू पानी चीनी के बगैर। उसके बाद आपने चीनी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने ये जो गोश्त होता है, अचार, चटनियाँ,
तेज पत्ती वाली चाय कॉफ़ी आपने नहीं पीनी, आपने बाहर के खाने नहीं खाने, प्रोसेस्ड फूड होती हैं, आइसक्रीम है या ये जो कैंडीज़ होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, आपने इनसे बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल परहेज़ करना है। आप इस तरह से भी इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से अपने आप को जब ट्रीट करोगे तो इंशाल्लाह विद इन डेज आपके जो ये एक्नी है ये इस तरह से आपकी स्किन के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी जैसे ये कभी थी ही नहीं। आपकी स्किन के ऊपर कोई निशान बाकी नहीं रहेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। गाइस आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।